69,000 शिक्षक भर्ती में भोला प्रसाद की याचिका के साथ 67,867 चयन सूची के अलावा मोडिफिकेशन एप्लीकेशन की क्या अपडेट है, विस्तार से समझ लीजिए। सबसे पहली 69,000 शिक्षक भर्ती की 67,867 की संपूर्ण जो चयन सूची है उसके चैलेंज किया गया था लोहा सिंह पटेल के द्वारा, जिसकी मामले की सुनवाई कल थोड़ी हुई थी, उसके बाद आज पूरे मामले की यहां पर सुनवाई हुई। सरकार को काउंटर लगाने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है, जी हाँ, उसके बाद रिजाइंडर लगाने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया गया है उस पर सभी अभ्यर्थियों को। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 5 हफ्ते जा रहे हैं, अब अगली सुनवाई जुलाई के अंत में होने की संभावनाएं बताई गई। कुल मिलाकर भर्ती पर इस याचिका के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। विपक्ष ने हमारे अधिवक्ताओं द्वारा IA के माध्यम से एक याचिका फाइल कर दी गई है, जिसमें ऑब्जेक्शन का रिप्लाई लगाने के लिए भी समय मांग लिया गया, यानी कि लगभग अब इसकी सुनवाई जुलाई के अंत में ही होने की संभावनाएं पूरी तरह से हैं। दूसरी जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में भोला प्रसाद शुक्ला के नाम से, इसकी भी सुनवाई हुई, लेकिन यहाँ पर भोला प्रसाद शुक्ला के जो वकील हैं वो उपस्थित नहीं हुए, इस कारण से इसकी सुनवाई अगस्त में, जी हाँ, और कन्फर्म डेट जहाँ तक 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2020 को यहाँ पर सुनवाई इसकी अगली हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की कल सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें आज की सुनवाई की कोई भी लिस्ट यहां पर नाम नहीं था। फिलहाल कल की सुनवाई की अगर बात करें तो आज देर रात यहाँ पर जो इसकी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है वो जारी होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कल यू ललित सर कोर्ट में नहीं बैठेंगे। अब वो बैठेंगे अंतिम दिन, यानी कि 19 यहाँ पर जून को, 19 जून के बाद यहाँ पर कोर्ट 3 जुलाई तक नहीं खुलेगी, सभी को पता है। तो उम्मीद है कि आज की जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी उसमें सरकार का जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है वो लिस्टेड नहीं रहने वाला है। कल की तारीख में जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी उसमें मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लिस्टेड हो सकती है, और 19 तारीख को इस एप्लीकेशन पर फाइनली सुनवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि सुनवाई को यू ललित सर ही सुने, क्योंकि उनको इस मामले की पूरी जानकारी है, तभी सही तरीके से ऑर्डर जारी हो सकता है। तो ये 69,000 के कुछ महत्वपूर्ण केस थे, उनकी अपडेट थी। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।